हेलो दोस्तों, मैं इस वक्त अवेलेबल हूँ रोमानिया बुकरेस्ट के अंदर और आज हम अब शुरू करने लगे अपनी रोमानिया सीरीज़ का व्लॉग नंबर 1। तो सफ़र कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि हमने ट्रैवलिंग की अबू धाबी से, तकरीबन दोपहर के 3 बज रहे थे और जब तक एयरपोर्ट पहुँचे अराउंड 4 PM का टाइम हो चुका था। और जो कि सबसे मज़े की बात है क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा ये जो कि नया टर्मिनल बना है, आप लोगों ने सुना होगा अबू धाबी के अंदर अबू धाबी टर्मिनल ए के नाम से, तो वहाँ पर स्मूथ, बहुत स्मूथ सिस्टम है और जो एयरपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने जापान का जो एयरपोर्ट देखा है, मलेशिया का जो एयरपोर्ट देखा, जो वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स हैं, तो उस तरह के तर्ज अमल पर बिल्कुल इन्होंने बनाया जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके साथ साथ जब हम जाते हैं एयरपोर्ट तो मेरा एक मामूल है कि मैं लाउंज फैसिलिटी अवेल करता हूँ, करनी भी चाहिए क्योंकि वहाँ पर खाना पीना होता है, डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं और डेजर्ट्स उसके अंदर स्वीट होते हैं, ड्रिंक्स कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप चाहें तो स्मोकिंग कर सकते हैं और नमाज वगैरह के लिए प्रेयर्स रूम्स वगैरह अवेलेबल होते हैं जो कि बहुत खूबसूरत पर्ड लाउंज जो कि अबू धाबी के अंदर है, मैंने उसको अवेल किया। और उसके बाद ही सडनली मैंने देखा तो टाइम हो गया फ़्लाइट का, तो फ़ौरन दौड़ लगाई और जाकर फ़्लाइट पकड़ी अपनी और विज एयर की एयरलाइन थी हमारी और उसने अराउंड 5 hours and 30 minutes का टाइम उन्होंने लिया और उसके बाद बुकारेस्ट के अंदर लैंड किया। लेकिन फ़्लाइट क्योंकि आपको पता है कि रात का टाइम था तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। दोस्तों इमिग्रेशन क्लियर हो गई है और वही जो सिंपल क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, इन्होंने वही पूछा मुझसे सारे सवाल कि रीज़न क्या है आने का, आने के बाद आप कहाँ कहाँ जाएंगे और रिटर्न टिकट है और आपने होटल कहाँ कहाँ स्टे करना है। मेरे 2 होटल स्टे थे तो मैंने वो इनको बताया, वो इन्होंने देखा, उसको वेरीफाई किया और क्लियर हो गई। आपको मेरे तासुरात नज़र आ रहे होंगे खुशी के कि अब मैं रोमानिया के अंदर हूँ, आई मीन यूरोप, और बुकारेस्ट की इमिग्रेशन क्लियर हो गई है। अब यहाँ से बस पकड़ूँगा और जाऊँगा अपने होटल और फिर आपको होटल से अपडेट करूँगा। इनकी 2 बसें चलती हैं, एक है 442 और एक है 100, तो हमने जाना है 100 में। आप अपनी डेस्टिनेशन देख सकते हैं, पूरा मैप दिया हुआ है इन्होंने इस तरह से कि ये किन किन स्टेशन से होकर जाएगी, ये एयरपोर्ट से निकलेगी और हमने जाना है, हमारा जो स्टेशन है, स्टॉप है, वो है ये 21 दिसंबर 1989, हमने यहाँ पर जाना है। इसके अलावा इन्होंने टाइमिंग लिख दिया ताकि लोग परेशान ना हो कि सुबह की टाइमिंग 15 मिनट्स के डिफरेंस से बस आती है और रात की जो है वो 30 मिनट से आती है। इसको आप एप्पल पे से पे कर सकते हैं और ये सारी एप्लीकेशन भी इन्होंने लिखी हुई है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इमिग्रेशन वालों ने 1 घंटा लगाया चेकिंग करने में डॉक्यूमेंट्स और जो कि उनके क्वेश्चंस होते हैं और जो होना भी चाहिए वो अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से चेक करते हैं, उसको प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। खैर उसके बाद जो बस का सफ़र हुआ, तकरीबन 40 मिनट्स का टाइम लगा जो एयरपोर्ट से लेकर मैंने अपने जो होटल के करीब जो बस स्टॉप था 21 दिसंबर 1989 जो कि कहलाता है यहाँ का जो रेवोल्यूशन स्क्वायर उसके करीब था। तो 3 RON 3 LEO जो रोमानियन करेंसी है उसके मुताबिक चार्जेस लगे और मैं पहुंच गया अपने रूम के अंदर। और अब की बार मैं आपको बताता चलूं कि मैंने कोई होटल का रूम वगैरह पहले मैं करता था तो मैंने वो नहीं किया बल्कि मैंने होटल अपार्टमेंट्स किए हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बेडरूम है, बेडरूम के अंदर तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, साथ ही ये ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे ये डेस्क चाहिए होती है काम करने के लिए, व्लॉगिंग के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए। उसके साथ साथ ये एक किचन है, किचन के अंदर फुली इक्विप्ड किचन है क्योंकि आप जब ऐसी स्टेट में आते हैं जहाँ पर हलाल हराम खाने का जो है वो बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें अगर किचन आपके पास हैंडी हो तो आप अपना खुद बना सकते हैं, पका सकते हैं, टी कॉफ़ी वगैरह बहुत सुकून रहता है और एक मुनासिब सा वॉशरूम है। तो ये मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर पड़ा है, अराउंड
टोटल 7 डेज का मेरा स्टे है, 7 डेज एंड 8 नाइट्स का, उसके अंदर ये मुझे पड़ा है 500 दिरहम्स का। और बहुत अच्छा है ये होटल, मैं इसके ऑनर बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, और मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको, अगर आप चाहें तो आप भी बुक कर सकते हैं, मेरे रेफरेंस से करेंगे तो हो सकता है आपको मज़ीद डिस्काउंट्स वगैरह भी इसके अंदर मिल जाए। जहाँ तक मौसम की बात करूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और क्रिसमस की वजह से डेकोरेशन है, रास्ते में भी मैंने देखा कि बहुत सारी लाइटिंग हुई हुई है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अराउंड इस वक्त टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं सुबह के, तो मैं बस अब सोने लगा हूँ, और मैंने कहा मैं आपसे एक्सप्लेन करूँ, आप लोगों को बताऊँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और अब कल सुबह का इंतज़ार है, कल सुबह होते ही ब्रेकफास्ट करना है, और उसके बाद हम जाएंगे रेवोल्यूशन स्क्वायर, फिर हम जाएंगे उसके बाद पार्लियामेंट पैलेस, जो कि वर्ल्ड हैवीएस्ट, सेकंड हैवीएस्ट बिल्डिंग है, उसको वो इसको देखेंगे, और उसके साथ साथ हम मस्जिद जाएंगे, खाना पीना करेंगे, और उसके बाद वापस आकर रेस्ट करेंगे। तो डेली बेसिस पर मैं आपको अपडेट करूंगा अपने डेली बेसिस के व्लॉग्स पे, तो प्लीज़ स्टे कनेक्ट रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस फैमिली को और ज़्यादा बढ़ाएं। जितना आप लोग लाइक करते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, अगर आप इसको मज़ीद शेयर करेंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।